बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान जो है वो शुरू हो गया आज से, और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है। तमाम मुसलमानों को और तमाम हमारे जो बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। तो हमारी कोशिश है कि रमज़ान में आप लोगों से अपनी रूटीन्स जो हैं, जो सहरी की और अफ्तारी की है, वो शेयर की जाएँ। अभी ईशा की अजान नहीं हुई और हम लोग जो है वो दही जमाने लगे हैं, जो सहरी में हमने इस्तेमाल करना है। तो किस तरह घर पे आप गाढ़ा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दही जो है वो जमा सकते हैं, आइए आपसे भी शेयर करते हैं कि हम लोग विलेज में दही जो है वो कैसे जमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हंडी भी से बोल सकते हैं और दुधनी भी से बोला जाता है। ये रख दिया हमने चूल्हे के ऊपर, दूध शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये दूध है जो हमारा, ये तकरीबन 4 से 4.5 किलो है। बिस्मिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उबाला जो है वो आ गया, पहला उबाल आया। और एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध जो है वो घर का है और खालस है। दूसरा ये है कि जब भी आप दही बनाना चाहें बिल्कुल गाढ़ा और अच्छे वाला, तो जो दूध है उसको तकरीबन 5 से 6 दफ़ा उबालना है, यानी उसमें जोश जो है वो 5 से 6 दफ़ा आना चाहिए। तो अभी ये हमारा जो दूध है उसमें अभी पहला जो उबाल है वो आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम लोग इसे डोंगा बोलते हैं, इसको फेरते हैं ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, अभी इसके ऊपर से हमने ढक्कन जो है वो हटा लेना है। तो तकरीबन 5 उबाले इसको आने चाहिए, और अभी जो उबाले आएंगे एक तो वो जल्दी आ जाएंगे, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर हमने ढकना नहीं देना और पास ही रहना है। अभी इसको करेंगे हम ठंडा। तो दूध जो है वो हमारा नीम गर्म रह गया, ठंडा हो गया, तकरीबन इतना गर्म है कि इसमें उंगली आसानी से आप रख सकते हैं, नीम गर्म है। तो अभी ये वाले 3 चम्मच हम दही के शामिल करेंगे, और दूध हमारा तकरीबन 4 किलो से ज़्यादा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करते हैं शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे इसको हमने फेंटना है सही तरह ऐसे। तो अभी इसको ढांप के हम रख देंगे और सहरी टाइम पे चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम हो रहा है सहरी का, तो अभी हम बनाएंगे लस्सी और मक्खन। तो दही जो है वो भी आपको चेक करवाते हैं कैसा जमा हुआ है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दही जो हमारा जम गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरीके से अगर इसको आप जमाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपका अच्छा दही जो है वो जमेगा। अभी इसको हम ये बर्तन है जो जिसे हम चाटी बोलते हैं इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आज पहला रोज़ा था तो आज थोड़ी रूटीन इस तरह किया कि उठने में थोड़ा सा हम लोग लेट हुए हैं, लेकिन फिर भी टाइम पे उठ गए हैं। और कल से इंशाल्लाह जो है ये उठने का मसला दरपेश नहीं आएगा, क्योंकि फिर रूटीन हो जाती है ना। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो रहता हुआ है, सब मिल के जो है वो सहरी तैयार कर रहे हैं। एक कुछ हमने पानी शामिल करना है अभी ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बड़ा तवा जो है इसे हम लो बोलते हैं, इसके ऊपर रोटियां बनाई जा रही हैं। अयान और अनाया भी उठ गई हुई है, मक्खन हमारा निकल आया, ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन जो है वो बन गया हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रोटियां जो है वो चोपड़ लेते हैं और मक्खन लगा लेते हैं रोटियों को। और ये आवाज़ आ रही है, ये किसी ने पीछे गांव में ना दूसरे मोहल्ले में किसी ने ये नात लगाई हुई है। गरम गरम रोटियां ऐसे चोपड़ते हैं लेंगे दूसरे के ऊपर ऐसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दाल जो है वो रात की बनाई हुई है, वो इस्तेमाल करेंगे और लस्सी दही और मक्खन के साथ रोटियां जो है वो चोपड़ी। कल्लू भाई स्टेटस के लिए पिक्चर बना रहे हैं। अली मोहम्मद भाई शुरू करो, अल्लाह का नाम लेकर तो लस्सी जो है वो मीठी भी पसंद होती है कुछ लोगों को, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर में मीठी कम पीते हैं और मैंने पहले पूछा है कि मीठी अगर पीनी है किसी ने, लेकिन नमक वाली सारे पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मीठी जो है वो नहीं बनाई। अभी नमकीन लस्सी जो है वही चलेगी, पानी है लस्सी है और साथ एक तो दाल है और दूसरा अचार दही ये सारी चीज़ें इसके साथ ही हम इंशाल्लाह सहरी करेंगे। हाँ, दही दाल मक्खन अचार लस्सी और आलू और प्याज का जो सालन बनाया हुआ था ये भी है, ये सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है हमारी वो हो गई है, अभी अजान जैसी होती है नमाज अदा करेंगे। और कल भाई मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ जी मज़ा आया, मज़ा आया। हाँ जी मौजूद भाई माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। हाँ जी अभी
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की सहरी थी हमारी। तो यही थी वीडियो, सिर्फ आप लोगों से सहरी शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको तमाम रोज़े रखने और रोज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अल्लाह ताला से तौबा मांगने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।